एलईडी का अभी सेटअप पूरा चालू हो चुका है, as you can see. My God. बम्पर नव नहीं लगवा पड़ेगा. फ्लेक्सिबल है. और अच्छा लगेगा, बट आप लोग देख सकते हैं स्रो काफी तगड़ा है. अभी हम लोग टेस्ट करेंगे घर जाके रात को भी तभी. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे गाइस. आज है कुछ फ्राइडे 24th, डेट है आज की एंड अभी बजे है कुछ डेढ़ दोपहर के एंड मैं जा रहा हूँ अभी सूरत, क्योंकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि मैं इंस्टॉल कराऊंगा डेफिनेटली एलईडी अपनी वरना में. सो आज मैं इंस्टॉल करवाने वाला हूँ एलईडी अपनी वरना में, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं वो सोच रहा था इंस्टॉल करवाने की, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था एक्चुअली. तो आज टाइम है तो हम लोग निकलते हैं एंड आज से आपके भाई का डेफिनेटली डेली व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, लाइक कैसे ही जो कुछ करवाऊंगा कार में सब कुछ, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा बिजी चल रहा था इसी वजह से मैं व्लॉग ही नहीं डाल पा रहा था सच कहूँ तो गाइस. बट कोई नहीं, अभी आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं तो हम लोग मस्त आगे बढ़ाते हैं अपनी चैनल को. बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना अपनी चैनल को गाइस. एंड अभी चलते हैं हम लोग सूरत, एलईडी इंस्टॉल करवाते हैं. मैं कुछ सोच रहा था एचआईडी या एलईडी, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था एक्चुअली कि कौन सी बेस्ट होती होगी. बट मेरे को समझ में आ गया बाद में कि एलईडी ही बेस्ट है एचआईडी से, क्योंकि एचआईडी काफ़ी वो उसका है ना कि कुछ टाइम रहता है उसको ऑन होने में, लाइक वो धीरे धीरे जैसे गर्म होती है वैसे ऑन होती है. मेरे को इंस्टेंट चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग पास लाइट दे किसी को तो तुरंत फ्लैश लगे इसको, तो इसमें एचआईडी में शायद से प्रॉब्लम है. तो मैंने सोचा कि एलईडी ही इंस्टॉल करवाते हैं, कुछ अराउंड 7-8 हज़ार के अंदर हो भी जाएगी एंड अपना काम भी हो जाएगा वैसे, क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा इनविजिबल लगता है मेरे को, तो वो नहीं होना चाहिए. इसी वजह से मैंने सोचा कि आज तो इंस्टॉल करवाते हैं, क्योंकि हाईवे पे मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करे हैं इस कंपनी की लाइट से. तो मेरे को तो ये एक्सपेक्ट नहीं था ह्यूंडई वालों से बट ऐसी कुछ लाइट देंगे, बट अभी दे ही दिए तो क्या करें. और आगे देख सकते हैं आप लोग, इस बकरियों ने रास्ता घेर लिया है हमारा, तो वो लोग अभी साइड देते हैं बाद में निकलते हैं. एंड मेरे को मेरे फ्रेंड को भी पिक करना है अभी, तो क्योंकि वो छोटू मेरे को फ्रेंड्स को भी पिक करना है, क्योंकि फ्रेंड्स भी आने वाले हैं मेरे साथ, बट शायद से वो लोग तो ब्लॉग में नहीं आएंगे तो मैं ही ब्लॉग तो बनाऊंगा एक्चुअली, क्योंकि इंस्टॉलेशन का ही प्रोसेस रहने वाला है ना. आप लोगों को रात को थ्रो भी दिखाऊंगा डेफिनेटली. तो अभी तो एकदम फ्यूल भी लो है अपनी कार में, क्योंकि कार चलती ही रहती है अभी, तो मैंने अभी फ्यूल अप भी नहीं करवाया है. अभी नवसारी से आगे से हम लोग कुछ करवा लेंगे फ्यूल अप एंड निकलते हैं टुवर्ड सूरत. एंड गाइस, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा ब्लॉग के लिए, तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अभी से अब नहीं होगा ऐसा कुछ कि मैं आप लोगों को वेट करवाऊँ थोड़ा सा भी. तो चलते हैं अभी सूरत, फ्रेंड्स को पिक करते हैं, निकलते हैं रोडीज़ में, एक स्टोर का नाम है कुछ रोडीज़ करके, वहाँ से हम लोग इंस्टॉल करवाने वाले हैं. काफ़ी क्रेजी स्टोर है, वहाँ से सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, तो देखते हैं वहाँ जाके क्या सीन बनता है. तो एक्चुअली गाइज, अभी मैं वाइड एंगल से शूट कर रहा हूँ अपने फ़ोन में 13 प्रो में, एंड मैं काफ़ी टाइम से 13 प्रो में क्या होता है कि वाइड एंगल से शूट ही नहीं कर पाता, अदरवाइज मेरे को शूट करना होता था तो मैं क्या करता था कि वो कैमरा का जो कवर होता है वो पूरा फ़ोन का कवर निकाल के शूट करता था. इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और दिक्कत होती थी. मैंने सोचा कि एक कवर ही ले लेते हैं अच्छा वाला, तो आपके भाई ने ले लिया है अभी कवर, एकदम मस्त. आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सेक्सी लग रहा है कवर. तो अभी मैं एक्चुअली फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, फ्रेंड आते हैं बाद में निकलते हैं यहाँ से. नहीं रिजो वरना मैं फिट करी लोग अत्यारे में नहीं किया, तो मैं फिट करता है. अपने एलईडी का अभी सेटअप पूरा चालू हो चुका है, as you can see. ये यार छत ले पटा दो ना ये गाड़ी. सो गाइज, अभी बज चुके हैं कुछ 4 एंड हम लोग पहुंच चुके हैं एक्चुअली रोडीज, एंड अभी हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं एलईडी एक्चुअली. एंड ये कुछ ब्रांड है मैक्स लाइन करके कोई ब्रांड है एलईडी हेडलाइट, एंड इसका क्या फीचर्स है एक्चुअली आपको आइडिया है? ये विदाउट फैन आती है ना एक्चुअली, इसमें फैन नहीं आता है ना, ये स्रिंग के क्या बोलते हैं इसको, ये जल्दी से बिगड़ता नहीं है ना. हाँ वो ये कोल्ड करता है ना उसका. पूरा बम्पर उतरना पड़ेगा यार, सिर्फ ऊपर से ओपन करना पड़ेगा. अच्छा टाइम ज़्यादा चले जाएगा. अच्छा ऐसा है, ये काम फास्ट हो जाएगा. अच्छा
ये अच्छी ब्रांड है ना, ये एलियंस वर्ल्ड कैसी आती है? यही है। इसका पूरा बम्पर को ऐसे ऊपर से ओपन किया जाएगा, बाद में ही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसको पूरा तो नहीं उतारना है ना, ऊपर से पूरा बोल्ट सिस्टम सब कुछ निकल जाएगा ना, ये पूरा हेडलाइट ही निकल जाएगा। इसके पॉइंट्स ये सब टूटते तो नहीं है ना कुछ? कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना? प्रॉब्लम ये लॉक कंप्लीट ही आते हैं लोग। अच्छा, डायरेक्ट फिक्स कर देते हैं ना? हाँ। वही होता है, सॉकेट होता है ना इसका भी पूरा। स्टोर यहाँ पे है आप लोगों को, वेसू रोड पे ना? हाँ, वेसू पे है। कौन सा सर्कल? सोमेश्वर सर्कल के पास ही है। काफ़ी बड़ी स्टोर है, आप लोगों को हर एक कार की एसेसरीज लाइक मिल जाएगी, लाइक लग्जरी कार की भी सभी मिल जाती है ना, BMW मर्सिडीज ऑडी सब का है ना। तो कितने टाइम में फिक्स हो जाएगा? 15 मिनट। गाइस अपना अभी फिटिंग का तो काम चल रहा है, बट मैं पीछे से यहाँ पे पूरा मैट्रिक्स वाला लाइट का सोच रहा हूँ इंस्टॉल करवाने का। अगर कैसी लगेगी वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, तभी हम लोग इंस्टॉल करवाएंगे। हालांकि हम लोग अभी तो फॉग लैंप और हेड लैंप ही इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि है LED में। सो गाइस अभी एकदम कम्प्लीट फिटिंग हो चुका है बम्पर का, और ये सब कुछ लाइक पॉइंट टू पॉइंट ये सब कुछ भी फिक्स कर दिया है ये लोगों ने, एंड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले ही करने का होता है, तो एकदम मस्त फिक्स हो चुका है अभी। अभी हम लोग दूर से लुक भी देखते हैं इसका कैसा आता है, लाइक नीचे से फॉग लैंप में भी हमारा ये हो गया, और LED और ऊपर भी, और HID नहीं इंस्टॉल करवाया, इसका भी कुछ रीज़न है, वो आप लोगों को लास्ट में बताता हूँ रात को जब भी हम लोग इसको चेक करेंगे। हम कंप्लीट रेडी हो चुकी है अभी अपनी LED, आप लोग देख सकते हैं इसका लुक ऐसा कुछ आ रहा है। अभी रात को ही थ्रो तो मालूम पड़ेगा, बट अभी हालांकि फॉग लैंप और ये सब कुछ आप लोग देख सकते हैं एकदम वाइट हो चुके हैं। अभी रात को हाईवे पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि वो रेड लाइट में यही प्रॉब्लम था कि हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता था मेरे को ड्राइव करते वक्त, तो अभी एकदम मस्त हो चुका है। अभी नीचे चलते हैं बेसमेंट में, वहाँ पे भी चेक करते हैं कैसा आता है इसका लुक, एंड देखते हैं क्या सीन बनता है। जा रहे हैं बेसमेंट में टेस्ट करने के लिए कि इसका थ्रो कैसा रहता है वो चेक करते हैं, एंड रात को तो वैसे भी रोड्स पे हम लोग डेफिनेटली चेक कर लेंगे, वहीं भी आप लोगों को एक आइडिया ही जाएगा कि कैसा रहेगा इसका थ्रो और ये सब कुछ। तो चलते हैं अभी बेसमेंट में, एंड प्रॉपर जो रफली आइडिया है वो तो आ जाएगा हम लोगों को, तो वैसे तो काफ़ी अच्छा थ्रो है। ये कौन सी ब्रांड हमने डाली है? वो मैक्सलिन ना। सो गाइज अभी बेसमेंट में आ चुके हैं हम लोग इसको थ्रो चेक करने के लिए। अभी आप लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ थ्रो देखने को मिलता है, और ये है अपर इसका, ये है डीपर, हाई बीम लो बीम आप लोग चेक कर सकते हैं, लाइक काफ़ी मस्त लग रहा है। इस साइड से थोड़ी सी नीचे नहीं लग रही? अच्छा ऐसा होता है, और सामने से ऐसा कुछ लुक देखने को मिलता है, लाइक वाइट लाइट आप लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ लुक है, काफ़ी मस्त लग रहा है, सामने से देखेंगे तो और अच्छा लगेगा, बट आप लोग देख सकते हैं थ्रो काफ़ी तगड़ा है। अभी हम लोग टेस्ट करेंगे घर जाके रात को भी, तभी आप लोगों को आइडिया आ जाएगा प्रॉपर कि कैसा इसका थ्रो है। यू कैन सी दिस इज़ द स्टोर, आप लोगों को यहाँ पे हर एक टाइप की एसेसरीज देखने को मिल जाएगी, लाइक मेरे को ये काफ़ी पसंद आए अलॉय व्हील्स, काफ़ी मस्त लग रहे हैं, और ये भी इसमें ग्रे कलर होता तो और भी अच्छा लगता है, बट अभी देखते हैं टेस्ट करते हैं कैसा लगता है अपनी कार में। ये रहे स्टोर, अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो वेसू में आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएगा, लाइक यहाँ पे आप लोगों को ऐसे कुछ रैप भी करवा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं बलेनो में आप ये लोगों ने रैप भी करा हुआ है। तो अभी चलते हैं घर पर एंड ट्राई करते हैं रात को, अभी बज चुके हैं कुछ 4:30, कुछ आधा घंटे में ही हमारा काम कम्प्लीट हो चुका है, अभी निकलते हैं यहाँ से।
गाइस वी आर ऑन द वे। एक्चुअली वहां पे मैं कुछ ज्यादा शूट नहीं कर पाया, बट आई होप आप लोगों को इंस्टॉलेशन वाला वीडियो तो समझ में आ गया होगा। एंड अभी स्टार्ट बात करते हैं हम लोग एक्चुअली कि इसका थ्रो की। एक्चुअली अभी तो रेन काफ़ी ज़्यादा थी, बारिश एक्चुअली अभी स्टॉप हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी इसको अपर मारी हुई है, ये है डिपर, आप लोग देख सकते हैं इसका थ्रो। अभी मैं अब बंद करता हूँ लाइट एंड देखिए आप लोग, अभी बारिश नहीं होएगी इस दिन हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। लाइक ये फॉग लैम्प पे ही चल रही है अभी हमारी कार, लाइक फॉग लैम्प एंड DRLs पे, तो अभी भी मेन हेड लैम्प की ज़रूरत नहीं पड़ रही है इतनी बारिश में भी, आप लोग देख सकते हैं। अभी करते हैं ऑन लाइट को, आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने करी है एकदम लो बीम पे, अभी मारूंगा हाई बीम। आप लोग देखिए पूरा दिन ही हो गया, उजाला ही उजाला, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मस्त है एकदम तगड़ी लाइट। और इसकी ब्रांड तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दी है, अगर आप लोग भी परचेस करना चाहते हैं तो स्टोर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी मस्त है स्टोर भी। एंड यहाँ पर आप लोगों को सूरत में हर एक चीज़ मिल जाएगी, लाइक अवेलेबल सब कुछ कार के बारे में और ये सब कुछ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो गाइज, एंड ये लाइट के बारे में भी सब कुछ पसंद आया होगा, तो हिट द लाइक बटन क्योंकि काफ़ी मस्त तगड़ी लाइट है। अभी तो हम लोग इसका रिव्यू प्रॉपर रिव्यू करेंगे डेफिनेटली कल, जो आप लोगों को इस वीडियो के बाद में ही देखने को मिलेगा, सिर्फ लाइट का ही रिव्यू करूँगा मैं, जो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हैं पूरा दिन हो चुका है, एज यू कैन सी गाइज, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में गाइज। तो आप लोगों को उस नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ इन डिटेल में बताऊंगा लाइट्स के बारे में, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है, लाइक फ़ैन या सब कुछ भी होता नहीं है, यूजुअली LEDs में फ़ैन आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है, तो इसके बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट गाइस। अभी मिलता हूँ आप लोगों को डायरेक्ट घर पहुँचते ही। एंड इसका थ्रो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ये है पूरा हाई बीम में, पूरा उजाला ही उजाला हो गया है। तो अभी तो इससे जितने ज़्यादा आइडिया नहीं आ रही होगी, बट जब भी बारिश नहीं होगी तभी हम लोग इसका पूरा रिव्यू करेंगे डेफिनेटली। सो गाइस आई जस्ट रीच होम एंड अभी मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो, अगर पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकॉन एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय, कीप वाचिंग, कीप स्माइलिंग, साइनिंग ऑफ वेंडरिंग लायन। अगर लाइट पसंद आई है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट के बदौलत ही मैंने इसको इंस्टॉल करवाई है, एज सच मेरे को भी इतनी ज़्यादा नीड थी एंड आप लोगों के भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रखी थी, तो मैंने सोचा कि आज इंस्टॉल करवा के ही आते हैं। एंड मेरे को कुछ अराउंड 11,500 की पड़ी, वैसे तो वो लोग 30,000 बोल रहे थे, बट मैंने वीडियो है सब कुछ शूट करा वगैरह सब कुछ डिस्काउंट भी दे दिया थोड़ा बहुत, तो अगर आप लोग भी परचेस करना चाहते हो तो जा सकते हो स्टोर में, काफी मस्त प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ इंस्टॉल करके देंगे आप लोगों को। तो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय, आप लोगों को रिव्यू भी देखने को मिलेगा इस लाइट के बारे में, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। मिलते हैं नई वीडियो में, एंड ट्रैवल वीडियोज भी आने वाले हैं, तो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज़।